सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल टैग फोर क्वेरीज पर। तो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने WhatsApp की नोटिफिकेशन म्यूजिक या फिर साउंड को चेंज कर सकते हो। और गाइस, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा, अपने WhatsApp की नोटिफिकेशन को चेंज करके दिखाऊंगा। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन पर लगा सकते। तो गाइस, जैसे आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हो तो वो आप लोग लगा सकते हो, कोई म्यूजिक लगा सकते हो, कोई साउंड लगा सकते हो। तो सारी चीज़ें हम लोग वो इसी वीडियो में आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सको। इस वीडियो का एम रखते हैं ओनली 5 लाइक्स का, ऐसे कंप्लीट कर देना गाइस। और गाइस, अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अपने WhatsApp की नोटिफिकेशन को चेंज करने के लिए आप लोगों को अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा WhatsApp यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर में। तो गाइज, मैं यहाँ से अपने WhatsApp को ओपन कर लेना। जैसे मैंने अपना WhatsApp को ओपन किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को यहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स शो हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सबसे ऊपर में कॉर्नर में आप लोगों को 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो सिंपल सा आप लोगों को 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पर क्लिक करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे GB WhatsApp यूज़ करता हूँ। और अगर आप लोग भी GB WhatsApp को यूज़ करना चाहते हो, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर एक एयरप्लेन मोड दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग अपना इंटरनेट ऑन करने के बाद भी आप लोग यहाँ से एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, यानी कि आप लोगों का इंटरनेट ऑन रहेगा लेकिन आप लोगों को कोई भी यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप लोगों के पास में कोई भी मैसेजेस नहीं आएंगे अगर आप लोग चाहते हो। तो गाइज, यहाँ पे एक मोड और दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को ये आइकन यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये सेकंड वाला आइकन आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो गाइज, इस आइकन का यहाँ पे मतलब है कि थीम आप लोग इसकी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ से डार्क मोड या फिर लाइट मोड यहाँ से ऑन कर सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ से करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से डार्क मोड को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, डार्क मोड को, और इसके बाद मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डार्क मोड। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया, यहाँ से डार्क मोड एक्टिवेट हो गया है। और जैसे ही मैं यहाँ से लाइट मोड को एक्टिवेट करता हूँ तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से लाइट मोड भी ऑन हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने व्हाट्सएप का लाइट मोड और डार्क मोड को यूज़ कर सकते हो गाइस। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। और अगर आप लोग भी GB व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हो तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो को और देख सकते हो कि कैसे मैंने GB WhatsApp को डाउनलोड करना बताया है। तो अभी मैं इसको यहाँ से डार्क मोड कर देता हूँ क्योंकि गाइज मेरे को डार्क मोड बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क मोड कर दिया है। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं और यहाँ पे हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें यहाँ से अपने WhatsApp की नोटिफिकेशन को चेंज करना है। तो यहाँ से हम लोग सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग्स, तो सिंपल से हम यहाँ पे सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोगों के पास में यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप लोगों को सिंपल करना क्या है, नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन टोन का। तो यहाँ से आप लोग अपने नोटिफिकेशन की टोन को चेंज करोगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों के पास में नीचे में यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को थीम का मिल जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर म्यूज़िक का, कि गाइज आप लोग अपने मोबाइल में जितने भी यहाँ पे आपके मोबाइल में म्यूज़िक होंगे तो वो सारे यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएंगे। एक लिस्ट यहाँ पे पूरी म्यूज़िक की शो हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ से कोई भी म्यूज़िक लगा सकते हो जो भी आपके फ़ोन में सेव होगा। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप लोगों को सेकंड ऑप्शन बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से लगा सकते हो, कोई अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोग लगा सकते हो। अभी मैं यहाँ पे भी मैं तीसरा ऑप्शन आप लोगों को चौथा ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे फाइल में अगर आप लोगों के पास में कोई म्यूज़िक है तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों के पास में कोई फाइल में म्यूज़िक होगा, कोई साउंड होगी, तो वो भी आप लोग यहाँ से लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ से नहीं लगा रहा हूँ, मैं अभी थीम पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्योंकि इसी में से मैं यहाँ पे साउंड लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोगों को शो हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है ऑनलाइन, कि अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन रिंगटोन को चूज़ करना चाहते हो तो वहाँ यहाँ से आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। फिलहाल मैंने इंटरनेट को ऑन नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई भी साउंड शो नहीं कर रहा है। सेकंड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है
चूज लोकल रिंगटोन। तो गाइज जो भी आप लोगों के फ़ोन में वे तीन ऑप्शन आप लोगों को यहाँ से दोबारा से शो हो जाते हैं, जिसका मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। तो यहाँ पे मैं जो मोबाइल के अंदर साउंड्स होती हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा, जैसे इस तरीके की कुछ साउंड्स हैं। तो गाइज ये साउंड्स मैं आप लोगों को इनमें से कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली नोटिफिकेशन यहाँ पे एक्सेलो फ़ोन का मैं ये नोटिफिकेशन ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करने के बाद में सिंपल सा बैक आ जाना है। बैक पर क्लिक करते ही आप लोगों का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा है नोटिफिकेशन axelo.ogg। तो ये वाला यहाँ पे लग चुका है गाइज। और इस तरीके से आप लोग अपने व्हाट्सएप की यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड को चेंज कर सकते हो। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप लोगों की इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना, और वीडियो बताना कि कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, वो टॉपिक भी आप लोग मेंशन कर दें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।